everyone, welcome back to my channel and welcome to another vlog. So I haven't vlogged I think from past month, I guess only travel vlogs hi aaye the. So I thought why don't share a vlog right now with you guys. So मेरे day में कुछ भी ऐसे exciting वगैरह नहीं होता, so that's why I think there is no point of sharing it. एंड राइट नाउ अभी मैं मार्केट जा रही थी और शायद मैं थोड़ी क्रिसमस शॉपिंग भी करूं, तो अगर ये एक या दो दिन का व्लॉग इकट्ठा होगा ना तो प्लीज़ डोंट माइंड इट. सो या अभी मैं जाऊंगी थोड़ी देर में बाहर, ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है एंड उसके बाद मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. एंड इफ़ यू लव वॉचिंग माई व्लॉग्स गाइज, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ना मेरे सारे वीडियो के. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज हाउ माय वार्डरोब लुक्स लाइक राइट नाउ. नीचे थोड़ी मेसी है पर ऊपर इट्स क्वाइट क्लीन. मैं ज़्यादातर कपड़े ऐसे हैंग करके रखना ही पसंद करती हूँ और अभी देखते हैं मैं क्या पहनूंगी. सी ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के जो शॉपिंग हॉल्स में दिखाया था, आई रियली लव दिस कोट सेट. मैं जल्दी से ट्रैवल करना चाहती हूँ और इसे पहनना चाहती हूँ. सो गाइस मेरी वार्डरोब की दो वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी अच्छी खासी चल रही थी. सो गो वॉच दैट राइट नाउ. आई गेस आई विल बी वेयरिंग दिस, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना है तो ये पहनती हूँ. हाउ माई वैनिटी एरिया लुक्स लाइक. इफ़ यू वॉन्ट टू वीडियो ऑन दिस स्टोर कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी इन डूइंग दैट. Outfit is excuse for the mess पीछे, but this is how my outfit looks like. I'm going to wear this fuzzy sweatshirt or sweater, you can say. I'm going to wear these pants. अभी मैंने shoes नहीं पहने हैं, so yeah. खाने, क्योंकि अभी मैंने लंच नहीं किया है एंड इट्स ऑलरेडी 2:26 और लंच टाइम हो चुका है. सो आई एम गोना हैव सम बेक्ड मोमोज और मैंने पहले वो कभी नहीं खाया है, सो आई एम गोना ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. देखते हैं कैसे टेस्ट करते हैं. अभी मैं वीडियो जस्ट अपलोड कर रही हूँ, मैंने वीडियो एडिट कर दी है एंड आज का मेरा प्लान पोस्टपोन हो गया उसका क्या था शॉपिंग का. सो अभी मैं जाऊँगी कल शॉपिंग करने और आज मैं जस्ट खा भी के आ गई, बहुत ज़्यादा खा लिया आज मैंने एंड आई रियली रियली वांटेड टू शूट अ वीडियो बट आज वो भी नहीं हो पाया. सो क्वाइट अनप्रोडक्टिव डे बट आई विल ट्राई कि मैं भाई डिनर करने के बाद एक वीडियो फिल्म कर लूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास बैकअप रहे. कई बार ऐसे नहीं रहता ना तो वीडियो का आइडिया भी नहीं आता दिमाग में, सो दैट्स व्हाई. सो इट्स नेक्स्ट डे एंड यस्टरडे आई वाजंट एबल टू फिल्म दैट मच क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं फिल्म करने को. सो टुडे इज अ न्यू डे एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैविंग माई ब्रेकफास्ट. सो टुडे आई एम गोइंग टू ईट दिस, क्या होता है ये, फ्राइड इडली, पता नहीं कौन सी इडली, और ये टी नॉर्मल एंड अभी मैंने रिसेंटली चीनी पीना बंद कर दिया है, सो आई एम गोइंग टू हैव दिस शुगर फ्री ग्रीन स्वीटनर. सो गाइस आई एम गेटिंग रेडी जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग outside to do some shopping because there might be a chance कि मैं कहीं ट्रैवलिंग के लिए चले जाऊँ चाहे एक या दो दिन के लिए. सो आई थिंक कि मैं बाहर से थोड़ी बहुत शॉपिंग कराती हूँ, वैसे भी विंटर्स आर हेयर सो मुझे कुछ खरीदना ही था, स्वेटशर्ट्स एंड ऑल. फर्स्ट आई नीड टू गेट रेडी. Donald.
सारे आउटलेट्स हैं एंड आई एम गोना शॉप फॉर फ्यू थिंग्स. मुझे लॉन्ग शूज भी लेने हैं. सो गाइस आई एम गोइंग बैक होम जस्ट बिकॉज शॉपिंग तो थोड़ी बहुत की पर वो मैंने नहीं की है तो मेरे लिए मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पर, इसलिए आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. सो आज का दिन मेरे लिए नहीं था, इट वॉज अ रियली बैड डे फॉर मी शॉपिंग करने के टर्म्स पे, क्योंकि बाकी दिन अच्छा था बट शॉपिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई. सो दैट वॉज रियली बैड. और अभी मैं जा रही हूँ घर. आई जस्ट रीच्ड होम एंड जैसे मैंने आपको बताया मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, जस्ट मैंने वहाँ से अचार लिया, गाजर गोभी का जो मीठा अचार होता है वो, और साथ में मैंने लिया अलसी की पिन्नी, बिकॉज सर्दियों में पिन्नियाँ काफ़ी खाते हैं हमारे यहाँ तो सही अच्छी रहती हैं बॉडी के लिए. सो दैट्स व्हाई मैंने वो परचेज़ की. मेरा जो सर है ना वो इतना ज़्यादा दुख रहा है, आई मीन मेरे यहाँ पूरा एरिया इतना दुख रहा है ना, और साथ ही बहुत वीकनेस लग रही है. आई थिंक कि मुझे जो मौसम चेंज होता है उसके कारण ही ये सब हो रहा है. आई होप कि चश्मे का नंबर ना बढ़ गया, क्योंकि उसके अलावा जिस मर्जी रीजन से दर्द हो रहा हो वो इतना मैटर नहीं करता, बट चश्मे के नंबर ना बढ़ाओ दैट इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर मी. आई जस्ट फिनिश फिल्मिंग अ वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा कि ट्रिप पे जाने से पहले कुछ कंटेंट शूट कर लूँ, बिकॉज आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है बंदा. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि अभी शूट कर लो. सो आई एम जस्ट अबाउट टू डू माई स्किन केयर एंड आई थॉट आई डोंट शेयर विद यू गाइज माई करंट स्किन केयर रूटीन. रिसेंटली गाइज आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दी प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेला विटा ऑर्गेनिक फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड रिजल्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई डोंट शेयर this with you. I'm currently using 5 of their products and all of these products are pretty well and I am really amazed by the result. So first of all thoda bahut main aapko inke products aur brand ke bare mein bata deti hu. The products are ayurveda and these all are natural products, so that's a really great thing. Also they don't do marketing, inko marketing nahi aati aur ye celebrity endorsement bhi nahi karte and ye jo apne sari marketing ka paisa hai apne product ki quality mein invest karte hain, which is really great. Also due to this inke bare mein kisi ko itna nahi pata hai एंड इनको इतना ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्निशन नहीं मिला है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आई मस्ट सपोर्ट देम, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड होम ग्रोन ब्रांड को हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करना ही चाहिए ऑब्वियसली. तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस द प्रोडक्ट्स दैट आई रियली लव फ्रॉम दिस ब्रांड. इन सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये अफोर्डेबल भी हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस सी ग्लो फेस वॉश. इसमें है वाइटामिन सी, लेमन, सैंडलवुड और बहुत सारी अच्छी अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं, जिससे कि आपका जो फेस है वो ग्लो करता है और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं बनाता. सो आई बीन यूजिंग दिस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड द रिजल्ट्स आर रियली ग्रेट. काफ़ी अच्छे से ये आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है और ये आपकी स्किन पे ऑयल बिल्कुल नहीं रहने देता. आई हैव ऑयली स्किन तो मुझे काफ़ी होता है कि मैं एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करूँ जो कि मेरे जो ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प भी करे. सो दिस फेस वॉश डज दी वर्क रियली वेल. So the quantity is 225 ml and it costs for just rupees 299. So second product is Bella Vita face and body scrub and I must say this is so good. The ingredients are natural और ये अपने face और body दोनों पे use कर सकते हो. I like to use it on my body. Shower के time पे मैं इसे week में 2 या 3 बार use करती हूँ just to scrub my body, ताकि मेरी skin से जो है dead skin cells remove हो जाएं और ये काफ़ी अच्छा work करता है उस पर. So this is how the granules looks like. इसके जो granules हैं काफ़ी अच्छे से आपके body को scrub कर देते हैं और सारा का सारा जो डर्ट है वो रिमूव कर देते हैं. इट कॉस्ट रुपीज 275 फॉर 75 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट. नेक्स्ट विंटर्स हैं और एक अच्छा बॉडी लोशन नहीं लिया तो फिर क्या लिया. करेंटली अभी हमारे एरिया में काफी हार्श विंटर्स होती हैं. आई लाइक टू यूज दिस फेस एंड बॉडी बटर लोशन एंड ओ माई गॉड द कंसिस्टेंसी इज रियली नाइस. इट्स बटरी स्मूद और इसमें है कोको बटर और इसकी फ्रेग्रेंस भी जो इसमें से आती है कोको बटर की, दैट इज टोटली ग्रेट. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना कि मैं इसे अप्लाई करके सारा दिन अपने आप को स्मेल करते रहती हूँ कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी. ये पंप में आता है ताकि आपको ईजिली ये डिस्पेंस हो जाए और आप इसे ईजिली अप्लाई कर लो. जो बॉडी है उसको ईजिली मॉइस्चराइज कर देता है ये और बटरी स्मूद हो जाती है आपकी स्किन. नेक्स्ट दिस इज अगेन अ विंटर एसेंशियल. दिस इज बेला विटा ऑर्गेनिक लिप स्क्रब एंड दिस इज मेड अप ऑफ वॉलनट एंड बीटरूट एंड इट ऑल्सो हैज नेचुरल बटर, दैट इज वाई इट विल मेक योर
लिप्स सो मॉइस्चराइज, तो मेरे लिप्स की इजिली पपड़ी सी उतरने स्टार्ट हो जाती है एंड विंटर्स पे तो क्या ही बताऊँ। सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। आपको थोड़ा सा ही लेना होता है, इसमें है स्क्रब पार्टिकल्स, छोटे छोटे से बीड्स होते हैं और ये बीट रूट का बना है, दैट्स व्हाई इट इज ऑफ दिस कलर। आपके जो लिप्स हैं उसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। ये जो स्क्रब के पार्टिकल्स हैं ये आपके जो यहाँ पर डेड स्किन होती है ना लिप्स पे वो इजिली रिमूव हो जाती है। दिस वन कॉस्ट फॉर ₹450। तो लास्ट प्रोडक्ट विच आई रियली लव इज दिस, दिस इज देयर पिंक क्ले फेस मास्क एंड इट ऑल्सो क्लींस योर फेस एंड स्क्रब भी कर देता है। सो इट इज लाइक अ 3-in-1 प्रोडक्ट। इसके साथ आपको इनका ये छोटा सा ब्रश भी मिलता है। सो इसकी पैकेजिंग आती है कुछ इस तरह से, एज दिस इज पिंक क्ले और इसका जो कलर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड जो इसकी फ्रेग्रेंस है दैट इज ऑल्सो रियली ग्रेट। इसमें यू कैन सी इट हैज दिस स्मॉल स्क्रब बीड्स एज वेल जो कि आपके फेस को स्क्रब भी कर देते हैं, साथ ही जो पिंक क्ले है वो आपके स्किन को ब्राइटन अप कर देता है, अच्छे से क्लेंस कर देता है। दैट्स व्हाई आई रियली लव टू यूज इट। सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई लव टू यूज इन माई स्किन केयर रूटीन एंड दिस वन कॉस्ट फॉर ₹499 अगेन फॉर 100 grams ऑफ प्रोडक्ट। इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट देन यू मस्ट ट्राई दीज। मैं इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो गो grab these amazing skincare products now, link is in the description box. Now I will move forward to the packing kyunki mujhe kal jana hai, so I think फटाफट से pack kar lete hain abhi. So packing ke time pe I just choose the things according to the destination and अभी मुझे पता है मैं चिली वेदर में ही ऑब्वियसली जाऊंगी, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ पर रखती हैं एंड उसके बाद आई जस्ट मिक्स एंड मैच दी आउटफिट्स एंड उनको लगा के ऐसे देख लेती हूँ कि अच्छे लगेंगे कि नहीं। सो मैंने ऐसा कर लिया है और अभी मुझे जस्ट पैक करना है, सो लेट्स जस्ट पैक दिस क्विकली। थिंग्स जो भी मुझे वहाँ पर लेके जानी है बट मुझे अभी तक इसे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन एंड आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग नाउ क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मुझे सुबह जल्दी उठना है जाने के लिए। सो यस, होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग, डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई बैक सून विद अनदर व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।